लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पन्नों की दास्तानें तो सबने सुनी हैं, लेकिन मीना बाजार की दुकान नंबर 32 में रकम हुई मोहब्बत और बार्गेनिंग की एक दिल दहला देने वाली दास्तान, सलीम उर्फ मैचमेकिंग वाला और रजिया उर्फ रज्जो की दास्तान। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। बेताब हो उधर तुम। फिक्स प्राइस तो एक बहाना है, बार्गेनिंग का सिलसिला बहुत पुराना है। 4,000 है इसकी मार्केट की कीमत। तुम्हारे दिल में क्या है रज्जो, ये तो तुम ही ने बताना है। मेरे दिल के इतनी फिक्र, काम ठंडा पड़ा है क्या? अभी अभी दुकान खोली है और तुम्हारा दिल तोड़ के मैं बिस्मिल्लाह नहीं कर पाऊंगा। अपनी गुंजाइश तो बताओ। वही ब्लैक फ्राइडे वाली, 800 में पूरा सूट लेकर जाना। मोहब्बत में धोखे और गलत फिटिंग के कपड़े इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती रज्जो। सिर्फ तुम्हारे लिए। 1,000 में दोगे? वरना एंड ऑफ सीजन में सेल पे भी मिल जाएगा। सेल के नाम पे डिफेक्टेड माल नहीं बेचते हम रज्जो। 3,850 सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और बोलो। बोलने के लिए अब कुछ रहा ही नहीं, 1,000 रुपए फाइनल है। देना है तो दो, वरना खुदा हाफिज। एक मिनट। समझ नहीं आता था कि ये मोहब्बत की दीवानगी है या कारोबार का पागलपन। रज्जो के एक नखरे पे फौरन कपड़ों के अंबार लगा देता था सलीम। वक्त तेजी से गुजर रहा था, शमा और परवाना आग से खेल रहे थे कि ऐसे रूठ के जाओगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। 2-3 और पसंद कर लो, रेट मुनासिब कर लेंगे। और अगर मैं कहूँ कि 1,000 रुपए में ही मुझे ये सब चाहिए तो मैं कहूँगा कि रज्जो क्या मार्केट टच करके आ जाओ, अगर इससे कम रेट में मिले तो मेरा नाम बदल देना। और अगर रेडीमेड सूट मिल गया तो? रज्जो, हम खानदानी व्यापारी हैं। रेगजीन है या जेन्युइन लेदर, पर्स देख के इंसान की औकात बता देते। तुमने तो आज अपनी ही नजरों में गिरा दिया मुझे। विंडो शॉपिंग का ताना दे रहे हो। ये लो, पूरे 1,200 रुपए हैं, शॉपर में डाल दो। बात निकलेगी तो पुराने उधार भी खुल जाएंगे रज्जो। तो खुल जाए ना सारे खाते। आज ना मैं सारा हिसाब क्लियर करके जाऊंगी, लेकिन वो जख्म कैसे भूलूं जो तुमने मेरी रूह को दिए। कैसे मुझे शेफोन के कपड़े दिखाकर जॉर्जेट पकड़ा देते थे, और कॉटन के नाम पर वॉशिंग वेयर। कितना मजाक बनता था मेरा सारी सहेलियों में। तुम सच सुनना चाहती हो तो सुनो रज्जो। जब खरीदारी में सौदेबाजी शुरू हो जाती है तो क्वालिटी के धागे कमजोर पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तुम याद है वो चांद्रा? बस बस पुरानी बातें छोड़ो ना, और ये बताओ कि इसका मटेरियल तो ठीक है ना? इंपोर्टेड सामान की कोई गारंटी नहीं होती रज्जो। चल, न तेरी न मेरी, 3,000। एक बात बोलूं? बोल। नाराज तो नहीं होगे ना? अपनों से भी कोई नाराज हुआ जाता है क्या परी? 1,500 लोग हैं। हाँ। देख लेना, इसी दुकान के सामने से ना मेरा जहेज जाएगा, और तुम सिवाय पछताने के ना और कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तेरी बार्गेनिंग में थोड़ा सा भी असर है ना तो ये आवाज जरूर लगाएगा रज्जो। 1,600, 1,650। हाँ, चाय के पैसे तो देती जाओ। मोहब्बत के सौदे को बार्गेनिंग की नजर लग गई। ना सलीम कभी कुछ बेच पाया, ना रज्जो की गुंजाइश बढ़ पाई। आज भी किसी फिक्स प्राइस दुकान पे बार्गेनिंग हो तो रज्जो सलीम की सदाएं पूरी मार्केट में गूंजती हैं। बाप
बाजी बाजी एक लाइक तो करते हैं, एक लाइक करते हैं। अच्छा हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो करते हैं, आपको बता रहे हो एकदम इम्पोर्टेड माल है, है? अच्छा चले, ना आपकी ना मेरी, आप बस शेयर कर दें। रहमान एक थैली एटीट्यूड पैक करो बाजी के लिए।